नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2021 के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसबीआई क्लर्क का ऑफिशियल कट ऑफ आ चुका है और रिजल्ट भी निकल चुका है, एडमिट कार्ड भी निकल चुका है। जिनका भी रिजल्ट हो चुका है वो अपने एडमिट कार्ड को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और 1 और 17 तारीख को आपका एग्जाम है अक्टूबर में, ठीक है। तो चलिए हम कट ऑफ को देख लेते हैं कि कौन से स्टेट में किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया, तो सभी कुछ को यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आंध्र प्रदेश है, तो जिस भी स्टेट का दोस्तों अभी हमारे पास कट ऑफ नहीं है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। लिंक आपको कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, अपडेट आपको मिलते रहेगा हमेशा। देखिए, अंडमान का सबसे पहले कट ऑफ देखिएगा 66.25 है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर बढ़े होंगे सभी के, तो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, जो कि मुझे ज्यादा नहीं लगता है इतना नंबर आप ला सकते थे। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कटअप देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का 69.25 है। असम का देखिएगा 68.25 है। बिहार का देखिएगा, बिहार का भी आया नहीं है, जब आएगा तो अपडेट कर दूंगा। छत्तीसगढ़ का देखिएगा 76.75 है। देख सकते हैं अंडमान कहाँ 66 है और छत्तीसगढ़ कहाँ 76.5 है। दिल्ली का देख सकते हैं 83 नंबर है। उसके बाद आप देखेंगे गुजरात का, देखिएगा गुजरात का देख सकते हैं कि 64 नंबर है, गुजरात का ही कम है। हरियाणा का देखिएगा 79.75 है, जो कि ज़्यादा ही जाने वाला था। हिमाचल प्रदेश का 80 नंबर है, 81 नंबर, 80.25 देख सकते हैं हम। और बाकी कैटेगरी का भी देखिएगा, जैसे अरुणाचल प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी 69, एससी 69, उसके बाद देखिएगा 55 एसटी है अरुणाचल प्रदेश में, 69.25 ईडब्ल्यूएस है। उसके बाद वैसे ही असम का देख लीजिएगा 67.75 ओबीसी असम में, फिर एससी का भी सेम है, एसटी का 60 है और ईडब्ल्यूएस का भी सेम है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का देखिएगा जनरल ओबीसी सेम है, एससी 64 है, ईडब्ल्यूएस 73 है और 62.75 है, तो उतना ज़्यादा ईडब्ल्यूएस को फ़ायदा हुआ नहीं है। गुजरात का अगर हम देखें तो गुजरात में 64 है, 63.5, 49 नंबर एससी का गया, ईडब्ल्यूएस का सेम गया है, ठीक है ना, केवल एसटी कैटेगरी का कम गया है। और यहाँ पे देखिएगा हरियाणा में 76 नंबर है ओबीसी कैटेगरी का। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटका में 64.25, जो कि कट ऑफ हाई गया है कर्नाटका के हिसाब से। और इसके बाद मध्य प्रदेश का देखिएगा तो मध्य प्रदेश में 81.75। उसके बाद देखिएगा महाराष्ट्र का, देखिएगा महाराष्ट्र का गुजरात से ज़्यादा गया ना, 1-1.5 नंबर का फर्क है, 66.25, 66.25, 66.25 और 56 नंबर एस टी कैटेगरी का गया है, ठीक है, बाकी सब कैटेगरी का सेम है। आगे नागालैंड का नहीं, उड़ीसा का देखिएगा 82 नंबर, उड़ीसा का कटअप दोस्तों हाई है। पंजाब का 75.5 नंबर है, देख सकते हैं। राजस्थान का 77.75 है। सिक्किम का देखिएगा, सिक्किम का 72.5 है। और तमिलनाडु का सबसे कम है 61.75 है, उससे कम मुझे नहीं लग रहा है किसी का गया है। तेलंगाना का 73.75 है। उसके बाद देखिएगा 81.25 हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। उत्तराखंड का देखिएगा 81.75 और बाकी कैटेगरी का देखिएगा उत्तर प्रदेश में 78 है ओबीसी कैटेगरी, 70 देख लीजिएगा एससी कैटेगरी, एसटी 55.25 और 81.25 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। उसके यूपी से ईडब्ल्यूएस से भरने का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है ना। आगे देखिएगा उत्तराखंड का 81.75 है, 73 नंबर ओबीसी, 66.75 एससी, एसटी भी सेम है और ईडब्ल्यूएस 75.25। उसके बाद वेस्ट बंगाल का देखिएगा, वेस्ट बंगाल का 79.75 है, 76 नंबर है ओबीसी, 64.65 मान लीजिए एससी एसटी 80 के आसपास और ये भी 80 के आसपास देख लीजिएगा। तो ये जितने भी स्टेट के दोस्तों हमारे पास कटअप थे, सभी स्टेट का कटअप हमने बता दिया आपको, और बाकी जो स्टेट बच गए उनका भी आपको कटअप जल्द ही देखने को मिलेगा। बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा बाकी स्टेट के कटअप को, तो उनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये किसका कटअप था, प्रीलिम्स का था, एसबीआई का, एसबीआई के प्रीलिम्स का कटअप था। और ये बिल्कुल ऑफिशियल कटअप है, जो आप लोग का रिजल्ट आने के बाद जो कटअप शो कर रहा है वही कटअप को मैंने यहाँ प्रोवाइड कराया है। तो जितने भी स्टेट के बाकी अदर स्टेट के जो कटअप बच गए हैं उन सभी को अपडेट कर दूंगा बहुत जल्द, या तो कमेंट में पिन कर दूंगा, नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों जगह आप चेक करते रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।